हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर भी बेल आइकन को एट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनीज़ के हम लोग बात करने वाले जो कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि इन कंपनीज़ में क्या करें मतलब बाय करें या फिर होल्ड करें या फिर एग्जिट uh, मतलब सेल करे एवरेज uh, करे या कंटिन्यू करे तो ठीक है तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बट येस कुछ ना कुछ लॉजिक कुछ ना कुछ रीज़न्स है हर किसी कंपनी से रिलेटेड बने रहने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा तो आप क्या कर सकते हो फर्दर इसको स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो तो चलिए सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं एंजल वन का क्या करें एंजल वन बहुत ही सुंदर कंपनी अच्छी कंपनी है ये जितने भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए कंपनीज हैं ना दोस्तों अभी एंजल वन का क्या काम करता है ब्रोकिंग से रिलेटेड डिमैट अकाउंट्स आप सभी लोगों को पता ही है ठीक है so, सो जभी जब भी बाजार बोरिंग टाइप का हो जाएगा इन कंपनीज़ के नंबर भी बोरिंग टाइप के हो जाएंगे जब भी बाजार में एकदम रॉकेट की तरह तेजी आएगी निफ्टी बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस ऐसा जाना शुरू होगा वापस लोगों की भीड़ आना शुरू हो जाएगी सो so ये इस प्रकार ये सी डी एस एल एनजेल वन इसी प्रकार से चलते हैं एंड कंपनी ने पाँच साल में तीन सौ तीन सौ परसेंट के रिटर्न दिए जो कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एंजल वन का एन एस सी वाला डेटा चेक करते हैं और बोलते हैं सर पाँच साल में किधर इतना रिटर्न दिए तो दोस्तों ये पहले बी एस सी पे था एन एस सी पे जस्ट इसकी शुरुआत हुई है तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता होना चाहिए अगर आपके पास है ये कंपनी तो लॉस में निकलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ देन बात करेंगे कैम्स कैम्स कंपनी का क्या करें जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक अच्छे रिटर्न्स बने थे फिर वापस उसी लेवल पे अभी आते हुए देखने को आप मिल रहा है सो so, कैम्स भी दोस्तों इसी प्रकार की कंपनी है राइट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट की बात करें तो इनमें अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है कि भरोसा है कि ये अच्छा करेगा इंडियन मार्केट तो आप कैम्स जैसे कंपनी में भी चाहो तो कंटिन्यू आप रख सकते हो कंपनी कोई खराब नहीं है एंड प्लस अगर अभी देखा गया तो इंश्योरेंस का भी हम लोग को डी होते हुए देखने को मिलने वाला है तो उसका फ़ायदा सी डी एस एल कैंप्स जैसी कंपनीज़ को भी मिलने वाला है सो so, चाहो तो इस चीज़ के चलते इसमें भी कंटिन्यू यहाँ पे रह सकते हो बजाज इलेक्ट्रिकल इस कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं किसी ने तो पूछा था तो क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली चाहो तो कंटिन्यू कर लेना थोड़ी ना खराब कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी सुंदर कंपनी है पाँच साल का डेटा भी अगर आप देखोगे तो हंड्रेड परसेंट के रिटर्न तो वैसे भी बन जाते हैं बट येस आ, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट स्टॉक है मतलब जब गिरता है तो एकदम बेकार गिरता है कंसल्टेसन फ़ेज़ में रहेगा तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन फेज़ में एंड तेज़ी आती तो एकदम रॉकेट की तरह तेज़ी तो इसीलिए इसको आप बोल सकते हो बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी मिडसाइज की कंपनी बट खराब नहीं है राइट right? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए देन बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड सो so, बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म में चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो हाँ अभी हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली थी क्योंकि इसने रेमंड के कुछ बिजनेसेस खरीदे थे ठीक है पार्क एवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसे कुछ ब्रांड्स इसमें खरीदे थे और जैसे ही ये सारी चीज़ें हम लोग होती हुई देखने को मिली तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी बट स्टिल अगर देखा गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो तो मतलब लॉस में तो निकाल नहीं सकते मतलब ऐसी कोई वाहियात कंपनी नहीं है कि मतलब आ, कि कौन सी कंपनी हम लोग चले गए तो उस टाइप का तो ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है सो ये भी पॉइंट आप मतलब कंसिडर कर सकते हो देन बात करेंगे पॉलीप्लेक्स सर पॉलीप्लेक्स में क्या करें तो डेफिनेटली पॉलीप्लेक्स मतलब ये इसी चीज़ के शिकार हुए हैं कि पहले नॉर्मल था स्टॉक किसी को पसंद नहीं आया फिर रॉकेट बन गया फिर किसी ने निवेश किया और फिर नीचे आया तो स्टॉक ख़राब हो गया तो पॉलीप्लेक्स कोई खराब कंपनी नहीं आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं मेजोरिटी लोग यहाँ पे बिल्कुल निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कोई लॉजिक तो होता नहीं है फिर जैसे स्टॉक नीचे गिर जाता है तो डरना स्टार्ट कर देते हैं बिलीव मी यहाँ पे भी जिन्होंने निवेश किया होगा वो यहाँ पर भी कंटिन्यू होते होंगे इनफैक्ट उन्होंने ऐड भी किया होगा क्योंकि उनको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होता है एंड जो व्यक्ति यहाँ पर निवेश करता है जस्ट तेज़ी देखकर ऐसे तो आपको रैंडमली कितने सारे शेयर के चार्ट पैटर्न देखेंगे ऐसे 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 ठीक है सो so, ये पैटर्न रिपीट होता रहता है तो पॉलीप्लेक्स कोई ख़राब कंपनी नहीं चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते सिमिलर वेट टैनला प्लेटफॉर्म की भी अगर हम लोग बात करें सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा स्टॉक नॉर्मल था नो बडी इंटरेस्टेड रॉकेट बन गया हर किसी में इंटरेस्ट आ गया जैसे नीचे आ गया तो इंटरेस्ट चला गया सो अगेन कह रहा हूँ ये आपकी हैबिट जो है ना दोस्तों इसको बदलो वरना आप मार खाते रहोगे शेयर मार्केट में हमें कब एंट्री करनी होती है जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि स्टेज वन में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीखो या फिर अर्ली स्टेज टू में जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है और स्टेज वन में कौन इसको आइडेंटिफाई कर पाता है जिसको कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है अभी जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं कल वो एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक होगा वो सडनली सौ का हो जाएगा एक हज़ार राइट इतने 900 सौ परसेंट के रिटर्न्स बन जाएंगे तो उनको उसमें भी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा फिर वो हज़ार का आ जाएगा 700 एंड फिर वो भी ट्रैप हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है बिज़नेस को आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए बिज़नेस के बारे में तभी जाके आप यहाँ पे अच्छी तरीके से टिक पाओगे देन बात करेंगे जी एम एम फॉडलर एक ज़माने में वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट स्टॉक में से था यस दोस्तों बट बाद में आपको पता है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसमें हुआ था सेबी ने भी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखने को मिला था इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड उसके बाद मतलब देखा गया तो मेरा इंटरेस्ट हट गया क्योंकि एक बेसिक रूल को मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें देखने को मिल जाती है तो वहाँ से दूर रहने में ही भलाई है ठीक है क्योंकि एज अ वेल्थ क्रिएटर हमें पता नहीं कभी कल क्या कब निकल कर आ जाए ठीक है तो कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों बिजनेस में मतलब कोई तोड़ नहीं है इसका खतरनाक अफलातून बिजनेस है केमिकल इंडस्ट्री की बात करें फार्मा इंडस्ट्री की बात करें इस कंपनी के बिना उनका मतलब बोलते ना धंधा हो ही नहीं सकता इतना जबरदस्त कंपनी का ये बिजनेस है ग्लास लिंक इक्विपमेंट में इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है बट स्टिल जो मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में जो गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी देखिए स्टॉक कैसे गिरा था भयंकर ओ एफ एस देखने को मिला था एस एल बी की बात करें सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग वहाँ पे भी किसी ने शेयर को पहले से ही शॉर्ट करके रखा हुआ था राइट एस एल बी में कौन से शेयर मतलब शॉर्ट किए जाते हैं बेसिकली क्या किया जाता है एफ एन ओ के थ्रू शेयर्स को शॉर्ट किए जाते हैं बट जो एफ एन ओ में नहीं है तो आप उनको एस एल बी के थ्रू शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो तो वहाँ पे भी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट की गई थी फिर ओ एफ एस आए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी सो so, उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी खराब नहीं है फिर उसके बाद बोनस प्लेट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था एंड फिलहाल अभी हम लोग को स्टॉक रिकवरी ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है सो so, कंपनी बुरी नहीं है अगर आप एक्सट्रीम रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो तो ही चाहो तो आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो बट देखिए आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इस कंपनी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या आरोप इनके प्रमोटर के ऊपर लगाए गए थे देन बात करेंगे बीके बहुत ही सुंदर कंपनी अच्छी कंपनी धमाकेदार कंपनी शानदार कंपनी है आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं हाँ ठीक है वो तो प्लस माइनस होता रहेगा कौन सा स्टॉक नहीं गिरता है हर कोई स्टॉक गिरता है बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है पाँच साल में कितने रिटर्न है नाइन्टी के रिटर्न नज़र आ रहे हैं नो डाउट इससे ज़्यादा होनी चाहिए बट वो प्लस माइनस नेट रिटर्न की हम लोग बात करें ना वरना डेढ़ के भी ऊपर के

बात नहीं है दैन बात करेंगे जेटीई के टी इंडिया जेटकेट अभी ये कंपनी की अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये साठ सत्तर रुपए पे था राइट right? एंड तब से बहुत सारे लोग मत पता चल गया मुझे कि ब्लस वीडियो देखकर ही निवेश कर लेते बस ऐसे ही लगा दिया पैसा तो ये बहुत ही छोटी कंपनी थी तभी नैनो कैप टाइप की कंपनी थी अभी तो स्मॉल कैप टाइप की कैटेगरी में आते हुए देखने को मिली है ऐसा ब्लाइंडली मत निवेश करना दोस्तों अगेन कह रहा हूँ स्टडी प्रॉपरली करना ऑटो एनसेलरी वाली कंपनी जैपनीज कंपनी है मारुति के साथ इनका हम लोग को अच्छा खासा रिश्ता देखने को मिल जाता है पाँच साल के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं एक ही दायरे में देखने को मिल रहा है बट बीच में ये कंपनी बहुत ही नीचे आया था तीस चालीस रुपये तक ठीक है तभी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था आज ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है दैन बात करेंगे वी एस टी टिलर कैसी कंपनी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ठीक है आपको आता होगा ठीक है चल जाता है मुझे पाँच साल में भी रिटर्न आप देख सकते हो कोई इतने खास रिटर्न नज़र यहाँ पर नहीं आ रहे अगर आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में ही अगर इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो एस्कॉर्ट को चाहो तो स्टडी कर सकते हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेस्ट रहेगा जहाँ पे आपको बाकी ऑटो सेक्टर्स एस का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा सो so वी एस टिलर की बात करें अभी तक इन्होंने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है दो की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इंटायर ऑटो सेक्टर में तबाही हुई थी तो ये भी नीचे गिरा था उसके बाद रिकवरी तो अच्छी हुई बट वापस हम लोग को ये गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं मैं तो इससे दूर रहना ही थोड़ा बहुत पसंद यहाँ पे करता हूँ देन देखा गया तो पी जी एच एच तो ये कंपनी कैसी अच्छी कंपनी है बट वेल्थ क्रिएशन की अगर हम लोग बात करें ठीक है उसके लिए इतना कुछ मजा नहीं आएगा आपको मतलब अगर आप चेक करोगे पाँच पाँच साल में तीस चालीस परसेंट आपको रिटर्न बन जाएंगे मतलब लेफ्ट टू राइट चार्ट पैटर्न जाएगा ऊपर बट बहुत ही स्लो जाएगा एंड एज अ वेल्थ क्रिएटर हम लोग को तेज़ी थोड़ी सी चाहिए होती है ऐसा धीमे 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 करके मतलब बोलते हैं ना मैराथन तो खत्म कर ही लेंगे बट तीन घंटे का मैराथन होगा एंड अगर आप जाके आठ घंटे में खत्म करोगे तो कैसे चलेगा सो so, ये उसी प्रकार की एक कंपनी है खराब नहीं है कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है बट वेल्थ क्रिएशन की अगर हम लोग बात करें स्पीड की बात करें तो ये विप्रो से भी स्लो चलता है मतलब आप अंदाजा लगा लो कि बहुत सारे लोग ये सुन के ही डर जाएंगे ठीक है तो मतलब ये सही कॉन्टेक्स रहेगा उनको थोड़ा सा अंदाज़ा देने के लिए सो so, ठीक है दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने पे कवर कर दिए हैं अगेन कह रहा हूँ ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि आप बाय करो सेल कर, करो एवरेज करो एग्जिट करो बट येस लॉजिक्स मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया कौन सा स्टॉक क्यों अच्छा है और कौन सा स्टॉक क्यों खराब है सो so, वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो डिमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पच्चीस वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मैंने कर देना तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको सो दैट्स थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल भी मीटिंग